बड़ी खबर आपको बता दें, प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर यह बड़ी खबर है। वैक्सीन के दाम 250 रुपए प्रति डोज हो सकते हैं। डोज के हिसाब से होगी वैक्सीन की कीमत। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और कल इसका ऐलान हो सकता है। तो वैक्सीन के दाम 250 रुपए प्रति डोज हो सकते हैं, क्योंकि 1 मार्च से आम आदमी को भी वैक्सीन की डोज लगना शुरू हो जाएगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता पल्लवी का। पल्लवी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जैसा कि अभी जिक्र किया कि अभी इसका आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सोर्स है वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वैक्सीन को लेकर जो उन्होंने बात कही कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन को लगाना अब शुरू कर दिया जाएगा 1 मार्च से, जो कि आयुष्मान भारत के तहत आता है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो भी अस्पताल इसके अंतर्गत आते हैं वही वैक्सीन लेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 250 रुपये प्रति डोज कीमत तय की गई है, जहां पर आप जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, जो भी जिनको भी इनको अलाउ किया गया है, वहां आपको 250 रुपये देना होगा और फिर आप वहां वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि कल, क्योंकि 1 तारीख से लगना है, सोमवार के दिन से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा 65+ और 45+ जो को मॉर्बिड है उन लोगों को। तो कल तक ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर स्पष्ट रूप से सामने आएगी और आधिकारिक बयान देगी। और पल्लवी, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है एक डोज की कीमत जो है वो 1000 रुपए या 500 रुपए के करीब हो सकती है, लेकिन अब जैसे सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि 250 रुपए पर डोज, यानी 2 डोज लगेंगे तो 500 रुपए हर व्यक्ति को चुकाने होंगे, तो इसे सस्ते कैटेगरी में गिना जाए या अब भी आम लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है? देखिए, जाहिर तौर पर जहां पे करने की बात आती है तो इस वक्त लोगों के मन में ये जरूर है कि चूंकि आधी जो 3 करोड़ की जो संख्या है उनको फ्री वैक्सीन लगा है, तो जाहिर तौर पर जो एल्डरली हैं, यानी कि 65 से उम्र से ज्यादा के लोग हैं, तो ये वही मान रहे थे कि उन्हें भी मुफ्त में वैक्सीन दिया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से रेट की बात की जा रही है कि 250 रुपये प्रति डोज होंगे, तो ये बहुत नॉमिनल चार्ज होंगे और जो बहन कर सकते हैं उनके लिए 500 रुपये 2 डोज का बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखना होगा क्योंकि किस तरीके से तय किया जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि जो भी सरकारी अस्पताल में डोज लगवाएंगे उनको फ्री डोज दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी।